ये सीढ़ी घूम रही है। अरे सीलिंग भी घूम रहा है। सीलिंग नहीं घूम रहा, तुम्हारे सर घूम रहा है। सच? हाँ हा, हा, मैंने पूरा सुना, आप मुझे मत पिलाइए। आप पिलाते हो तो फिर मेरा सर घूमता है और मैं कितना कितना बोलती हूँ। इसलिए तो पिलाया मैंने। हाँ मतलब तुम कहने में चलो, तुम्हें बताता हूँ। आराम से। चप्पल नहीं। अरे पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। आज किसका बर्थडे है? किसका बर्थडे है? सच? क्या सच? सबने छुपा के रखा है, किसी ने नहीं बताया। मुझे तो याद होना चाहिए था। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो मिली भी हूँ ना उससे इतनी बार। किससे? करेक्ट, मैं मिली हूँ उससे बहुत बार, बहुत अच्छा लगता है। किससे? अरे जिसका बर्थडे है। किसका बर्थडे? किसका बर्थडे? उधर क्या कर रही हो? इधर देखो। इधर क्यों देखो? आपको बात कर रही, मुँह से बात कीजिए, आंखों से क्या बात करनी है? तुम ना मुँह से झूठ बोलती हो, अपनी आंखों से झूठ नहीं बोल पाओगी, इसलिए यहाँ पर देख कर बोलो। कुछ बर्थडे मतलब टुडे बर्थडे पिच पर्सन। पता है मुझे, मैंने आपको बताया लेकिन आपको मत बताइएगा, क्योंकि आपको पता नहीं चलना चाहिए ना, क्योंकि आपके लिए तो सरप्राइज है, तो आप ये बात अपने तक ही रख के किसी को बताना मत कि सरप्राइज फ्लॉप हो रहा है। ये खेल खेला था मेरे साथ। What a lovely surprise. It is too nice. Lovely. वैसे तुमने मुझे बर्थडे विश नहीं किया? मैंने तो बर्थडे नहीं विश किया आपको। किसी की नजर नहीं लगे, तुम जियो हजारों दिवाली मेरा फेवरेट फेस्टिवल था, और आज तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं मेरा फैमिली के साथ दिवाली मना रही हूं। पर सुमन का वो दिवाली के पटाखे थे, ये टाइम बम है, दिमाग का होगा इसका बड़ा। इससे पहले ये हो कि
हम यहां से निकल चलते हैं, ठीक है? डरो मत। बॉम्ब के टाइमर के साथ मैंने अपनी घड़ी को अच्छी तरह से सेट कर लिया है। जब बॉम्ब फटने में 30 सेकेंड होंगे तब मैं यहां से चली जाऊंगी। अरे यो साली मरवाएगी, और इसका पति तो निकल लिया पर मेरी होने वाली लुगाई तो जिंदा है। अरे मैं तो दिशा को लेके पहले ही निकल जाऊंगा। सोमोनिका मेरी बात सुनो। डरो मत, तुम्हें भी बता दूंगी तुम उस दिशा को लेकर यहाँ से निकल जाना। बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि अपने प्यार को खोने का दर्द क्या होता है, क्योंकि वो मैंने सहा है। और वैसे भी इस फैमिली का एक मेंबर तो जिंदा होना चाहिए ना? इनकी 13वीं और 14 कौन मनाएगा? आखिरी बार देख लेती हूँ इस घर को और इस घर में रहने वालों को, क्योंकि बॉम्ब ब्लास्ट के बाद ये घर खंडर हो जाएगा और ये घर वाले लाश में तब्दील। कुछ चीजें पूछने के लिए नहीं, समझने के लिए होती है। मतलब? अरे नहीं समझे। बाइक से उतरना पड़ेगा। हाथ दीजिए, हाथ दीजिए। मेरी आंखों में देखी, पता नहीं चला। जिसने आपको आपको देखकर प्यार को समझा, आप उसे नहीं समझ पाए। जिसने आपसे जीना सीखा है वो आपको जीने से कैसे रोक सकती है? ये दिल दिल की धड़कन, धड़कन उसी की है जो आपसे बहुत प्यार करती है, जो आपके बिना नहीं जी सकती, जिसकी खुशी आपकी हंसी में है। मैं आपकी चश्मे, आपकी फूकी, आपकी जानू। सुन, ये क्या तेरा फेस पे, अरे फेस पे क्या? अबे ये चुम्मे धो के आ जा, जल्दी जा। टी उठी, वो बॉम्ब पूरा बॉम्ब। मैं पानी ले रहा था। मुझे आपसे कुछ बात करनी है बाहर। क्रिस मोनिका, पहले ये बता कि भागने का तने के प्लान बनाया है? ये बोल। अंदर से कोई बाहर ना आ सके, बाहर से कोई अंदर ना जा सके। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, जब सारे घर वाले
घर में बंद हो जाएं और चाबी खो जाए। अरे यो तो वो बॉबी फिल्म का गाना है और सीन है ओम शांति ओम का, जिसमें दीपिका जल मरी थी ना। शट अप, मेरे इतने इम्पोर्टेंट प्लान को किसी फिल्म के साथ कंपेयर मत करो। अरे क्या बात कर रही है, इतनी जबरदस्त फिल्म थी, 4 हफ्ते चली थी पूरे हरियाणा में। चप्पड़ चप्पड़ बंद करो, बॉम्ब ब्लास्ट होने में बस कुछ ही मिनट रह गए हैं, मुझे देखना होगा कि वो गिफ्ट के साथ खड़ा भी है या नहीं। सिमोनिका डार्लिंग, तू गिन 1 से 10 की गिनती, और संग्राम सिंह की गिनती में थोड़ी सी गड़बड़ है। वो ये वो है कि मैं करूंगा 9, 2, 11 वो भी दिशा ने लेके। तेरी ये हंसी मेरी लाइफ की सबसे बड़ी तकलीफ है, जो तेरे साथ ही खत्म होगी। पर तेरे साथ तेरी प्रज्ञा को भी तो खत्म होना है, वो कहाँ है? संग्राम, संग्राम, किधर चला गया तू? लोग देखो वो सारे गिफ्ट्स पड़े हैं ना, हमें उस पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि जाने से पहले एक बार तो चेक करेगा ना वो कि गिफ्ट उसका यही है कि नहीं। हाँ आप सही कह रही हैं, हम यहीं से देखते हैं ताकि उसे कुछ पता न चले। पूरब, ये सिमोनिका गिफ्ट के आसपास क्या कर रही है? आदि और वो ये गिफ्ट से हटा क्यों रही है? कहाँ गया? यही तो रखा था, लगता है बाकी गिफ्ट्स के नीचे दब गया होगा। नीचे भी नहीं है तो गए कहाँ? सिमोनिका अभी के लिए कोई गिफ्ट लेकर आई थी? जब आई थी तो मैडम आप यहाँ क्या कर रही हैं? नहीं, उसके हाथ में कोई गिफ्ट ही नहीं था पूरा। और ऐसे गिफ्ट चेक करना, आपने उनसे कहा था कि वो किलर जो भी है उसका इस घर में आना जाना है, तो कहीं वो किलर नहीं? पूरब, मुझे खुद सिमोनिका पर शक हुआ था, लेकिन मैंने उसके घर में जाकर सब कुछ पता किया। तो सारा शक गलत निकला, उसकी माँ वाकई बहुत बीमार है और ये नौकरी वो इसीलिए कर रही है ताकि अपनी माँ का ख्याल रख सके। मुझे नहीं लगता वो ये सब कर सकती पूरब। फिर ये अभी तक ऐसे गिफ्ट, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो सब इसका कोई सेटअप हो, फेक रिलेटिव्स, फेक एड्रेस, फेक इसके 2 चेहरे भी तो हो सकते हैं। पूरा वो मेरी दोस्त ने ज्योति डॉक्टर है जो, वो भी इसके बारे में ऐसा ही कुछ कह रही थी। What's up, people? I'm back. अरे रुके खाओ, खिलाओ खिलाओ खिलाओ। ये क्या? अरे दादी आप ही कहती है ना, जिसने किए शर्म उसके फूटे कुछ। क्या फूटे? करम। हाँ तो फूटने से बचाइए और मुंह मीठा कीजिए। पर भी क्यों? पर खोए पर पोटा बोल रहे हैं आपको, खायो। इतना इतना मतलब शुरुआत तो एक से करो। दासी हाँ? आप लेंगी या मैं दू? अब नहीं मैं ले लूंगी, लेकिन ये सब क्या है, ये क्या क्यों? अरे आप लो तो सही। एक और चीज। अरे दासी आपको तो 2 बनता है। पता ना हुआ क्या है? पता ना हुआ? अरे ताऊजी ताईजी आप लोग तो क्या लग रहे हैं। ताईजी का मुंह मीठा करो। ताईजी ताईजी
अरे लो लो ताई जी, एक एक डब्बा नहीं दो। हाँ ताऊ जी को भी तो लेना है, ताऊ जी आप लीजिए, जल्दी लीजिए ताऊ जी, मिताली भाभी इंतजार कर रही है वहाँ पर राज भैया के साथ। क्या? अरे मिताली भाभी लो आपका फेवरेट चॉकलेट्स, स्वीट्स। पर ये क्यों? बता दो आप, लो तो सही। अरे फिर बता तो दो। अच्छा नहीं चाहिए? अरे नहीं चाहिए चाहिए, रुको, लेकिन रीजन तो बता दो। चलो अब और भी खिलाते हैं। क्या हुआ, क्या है, बात तो बता दे भाई। ताऊ जी काश की मैं बता पाता, लेकिन प्रॉब्लम ये कि मैं उसकी तरह नहीं बता पाऊंगा जिसने मुझे बताया। अरे हाँ भाई, पता तो चले आखिर हुआ क्या है। हाँ हाँ पता चलना चाहिए ना, किस बात की मिठाई खिला रहा है तू। अरे उसके मुंह से जो निकलता है मीठा निकलता है, क्या बताऊं। वो जो मेरे साथ होकर भी मेरे साथ नहीं है। कहीं आत्मा शात्मा का चक्कर तो नहीं है? पापा चाचो हॉरर स्टोरी की बात कर रहे हैं। पब्ली ये हॉरर स्टोरी नहीं, इट्स लव स्टोरी। अभी तू या तो हमें बेवकूफ बना रहा है या टाइम पास कर रहा है। अरे मैं कहा टाइम पास करूंगा दासी, टाइम पास तो वो करी थी, अब जब उसने मुझे सच बता दिया तो टाइम मानो रुक सा गया है। ओए मेरी बात सुन, अब तू ज्यादा बात को घुमा मत। अगर तू ऐसा करेगा ना तो जितने लोगों के तुमने मुंह मीठे कराए हैं ना सबके कड़वे हो जाएंगे। भाई तो बात जो है ना बात बता दे, सस्पेंस तू खत्म कर बस। लॉटरी वॉटरी लगी है तुम्हारी क्या? अरे राज भैया लॉटरी नहीं, जैकपॉट लगी है। जैकपॉट? जैकपॉट हाँ, क्या कहते हैं ऊपर वाला जब देता है तो फाड़ कर देता है। छप्पर 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 तो समझो, छप्पर फट गया है, सब कुछ आ गया है, मैं समेट रहा हूँ, मुझे सब कुछ मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ दिशा, जब मैंने देखा तो वो गिफ्ट यहाँ वहाँ कर रही थी, फिर मैं और दी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागे, लेकिन पता नहीं वो कहाँ गायब हो गए। फिर जब मैं वापस दी को देखने आया तो दी वहाँ नहीं थी। आप कह रहे हैं आप उसके पीछे गए थे? फिर आई नो दिशा, मैं थोड़ा तेज भाग रहा था, दी मेरे पीछे ही थी, लेकिन फिर पता नहीं दी कहाँ रह गई। आपने दी को अकेला क्यों छोड़ दिया? अकेला अगर उनको कुछ कर देता तो मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे भी दी को लेकर डर लग रहा है, लेकिन अभी हम किसी को कुछ नहीं बता सकते, इसलिए हमें खुद जाकर दी को ढूंढना होगा। ओके लेट्स गो। चलिए की शादी हो गई ना? तो कहां भगा के ले जा रहा है इसे? वो जी अभी तू यहां कैसे? क्या लगा तुम दोनों को कि तुम दोनों मेरी फिक्र करोगे? मुझे पता नहीं चलेगा। क्या पता चल गया तुझे? सब पता चल गया है मुझे, इसलिए कुछ नाटक करने की जरूरत नहीं। हाँ मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि क्या पता चल गया तुझे? वही जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। पर हमने तो प्रज्ञा दी का नाम। एग्जैक्टली प्रज्ञा दी। प्रज्ञा के कहने पर तुम दोनों ये पार्टी ऑर्गेनाइज की है? हाँ। बहुत अच्छा सरप्राइज, like it. हो तुझे पता चल गया? बात छुपी है क्या मुझसे? नहीं आपसे कोई बात कैसे छुपी? अच्छा तो तूने दी को बताया कहाँ है वो? Are you kidding me? मजा कर रहा है क्या? तेरे साथ ही तू मुझसे पूछ रहे? हाँ वो मेरे साथ ही थी, लेकिन फिर मैंने उनको यहीं कहीं देखा था तो मुझे लगा तेरे साथ रूम में होंगी। रूम में नहीं है वो। एनीवेज मैं जाके देखता हूँ। चलो दिशा। ये कहां चली गई? जब उसे पता चलेगा कि उसका सरप्राइज फ्लॉप हो गया है तो फुग्गी का मुंह फुग्गी की तरफ फूल जाएगा। हर चोर एक गलती जरूर करता है, तुम्हारी इसी गलती की वजह से तुम पकड़ी गई। तुम्हारी गलती ये थी कि जब तुम नीरज बोधी की दुकान पे गई थी उनसे उनके सिग्नेचर बैग और गिफ्ट बॉक्स लेने के लिए, उन्हें वहीं पे उस पर लिखवाया हैप्पी बर्थडे टू रॉकस्टार अभी, और वो करते हुए तुम्हें वहां के ओनर नीरज बोधी ने सीसीटीवी कैमरा पर देखे और मुझे फोन कर दिया
कि कोई बुरखे वाली औरत आई थी जिसने ये सब किया, और मुझे तभी लगा कि हो ना हो ये बुरखे वाली औरत वही है जो खान चाचा के पास गई थी गिटार में बम लगाने के लिए। ये बात मैंने तभी जाकर पूरब को बताई और पूरब ने बॉम्ब डिटेक्टर अरेंज करवाया। इस घर में आए हुए एक एक गिफ्ट को चेक किया उसने, और उस बॉम्ब के साथ तुम भी पकड़ी गई। पुलिस किसी भी वक्त आती होगी सिमोनिका, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। खेल नहीं है, बदला है मेरा, और बदला तब तक खत्म नहीं होता जब तक वो पूरा नहीं होता। मेरे इस बदले के बीच में अगर कोई भी आएगा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और वो नीरज भाई, उसने मेरा प्लान खराब किया ना, मैं उसे भी जान से मार डालूंगी। अरे क्या लगा रखा है मरनी मारने का? अब तुम अपनी सही जगह जा रही हो, वहां तुम्हारे सर से ये पागलपन भी उतर जाएगा। पर उससे पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम क्यों मारना चाहती हो मेरे पति को? क्या बिगाड़ा क्या उन्होंने तुम्हारा? बिगाड़ा नहीं, उजाड़ा है उसने मेरा। उसने मेरे पति की जान ली है, वो भी बड़ी बेरहमी से ली है। खाई में धक्का दिया है उसने उसे। मैं कुछ भी नहीं कर पाई, मेरा पति मर गया, लेकिन मैंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी को मारने के लिए एक से एक बुरा प्लान बनाया। मैं चाहती हूँ कि वो भी तड़प तड़प कर मरे, उसे बचाने वाला कोई नहीं, और जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसे मार डालूंगी। पागल हो गई हो क्या? कुछ भी बोले जा रही हो। जब वो तुम्हारे पति को जानते ही नहीं तो क्यों मारेंगी उसे? क्योंकि दुष्यंत को तुम्हें मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था किसी ने, और इससे पहले वो तुम्हें मारता उस अभी ने मेरे पति को मार डाला। ये झूठ है, उन्होंने नहीं मारा किसी को। मारा है, याद कर, आज से 6 महीने पहले तुम और अभी किसी नासिक के जंगलों में घूम रहे थे, जहां मेरे पति तुम्हें मारने के लिए आए थे, और वहां अभी और मेरे पति के बीच में आता भाई हुए, और अभी ने मार। तुम्हारा पति था? वो मेरा पति दुष्यंत था। लेकिन सिमोनिका, तुम, वो मुझे मारने आया था, उसने मुझ पे गोली चलाई थी सिमोनिका, जिसकी वजह से मैं अपने पति से अलग हो गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है दोनों में झड़प शुरू हुई हो और किसी हादसे में उसकी मौत हो गई हो। क्या हादसा? हाँ, मेरे पति एक हादसे में मर गए। I'm sorry. तुम्हारा मतलब है मेरे पति को अभिषेक ने नहीं मारा, और मैं इतने दिनों से कुछ और ही समझती रही, और मुझे लगा कि अभिषेक ने मेरे पति को मारा है। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे माफ कर दो। मेरे पति की मौत तो तुम्हारी वजह से हुई है, तुम हो मेरे पति की मौत का कारण, और मैं बेवकूफ की तरह उस अभिषेक प्रेम मेहरा के पीछे पड़ी हुई थी, उसकी जान लेना चाहती हूं। बचोगी नहीं अब, मरना होगा तुम्हें, समझी तुम? तुम पागल हो गई हो, तुम्हारे पति की मौत की वजह ना ही मैं हूं ना मेरे पति। तुम्हें क्या पागलपन चढ़ा हुआ है किसी को मारने का? किससे बदला लेने की कोशिश कर रही हो तुम? ना होगा तुम्हें। तुम्हारी वजह से मेरे पति की मौत हुई है, उस अभिषेक ने मेरे पति को मारा तुम्हारी वजह से, समझी तुम? Shut up. I said shut up. एक शब्द और नहीं बोलोगी तुम, तुम्हें मार दूंगी। तुम अपने पति को कम से कम सपने में तो बता पाऊंगी कि मैंने उनकी मौत का बदला ले लिया, उनकी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। प्रज्ञा,
यहां भी नहीं है तो फिर गई कहां? ये रूम तो लॉक्ड है तो फिर आवाज कहां से आई? प्रज्ञा, प्रज्ञा अंदर तुम हो? अभी प्रज्ञा, अभी हाँ? अभी तुम यहाँ हो? तुम आवाज दे रही थी? हाँ, वो तुमने ना, तुम्हारे पास इस कमरे की चाबी है क्या? हाँ, चाबी तो है। दो। हे भगवान, भाभी को चाबी मिल जाए। वो क्या हुआ ना कि मैं तैयार हुई ना जब तुम्हारे बर्थडे के लिए, तो की चेन ना मेरे ये ड्रेस से मैच नहीं कर रहा था। मैं लेकर आऊँ क्या? नहीं। Okay. मैं कुछ करता हूँ लेकिन क्या करूँ समझ में। अरे तुम ये सब छोड़ो, वो नीचे ना मिस्टर सेठी है, वो ही बताने आई थी। मिस्टर सेठी आ गए? ये भाग क्यों रही थी? ये इसलिए भाग रही है क्योंकि इसे पता है कि आज के बाद इसे इस घर में सिर्फ नफरत मिलेगी। प्रज्ञा साफ साफ बताओ उसने किया क्या? जिसे हम इस घर में सेक्रेटरी बना कर लाए थे वो इस घर की सबसे बड़ी दुश्मन है। इसका हर झूठ हर राज आज सबके सामने होगा। एक सेकेंड, हम नहीं, तुम इसे सेक्रेटरी बनाकर इस घर में लेकर आए थे। एंड व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने इस पर भरोसा किया। मुझे लगा इसे जरूरत है इसलिए इस घर में इसे सेक्रेटरी की नौकरी थी। लेकिन इसे सेक्रेटरी की नौकरी देना हमारा डिसीजन नहीं बल्कि इसी का प्लान था। क्या फायदा उठाया इसने? क्या झूठ बोला इसने? झूठी तो बोला है सब कुछ, अपने बारे में हर बात झूठी बताई है। इसने कहा कि ये मुंबई से जबकि ये हरियाणा से। मैंने इससे पूछा कि तुम शादीशुदा हो या नहीं, तो इसने कहा इसकी शादी नहीं हुई जबकि इसकी शादी भी हो चुकी। ये सब कुछ एक प्लान था इसका। क्या मेरी सेक्रेटरी बनना इसका प्लान था? ये इस घर में आपकी सेक्रेटरी बननी नहीं बल्कि आपसे बदला लेने आई थी। आज तक आप पे जितने अटैक हुए ना सब कुछ इसने करवाया। यहाँ तक कि आज आपके बर्थडे पे आपके ही बर्थडे गिफ्ट में बॉम्ब रखकर आपको मारना चाहता है। कहाँ जा रही है सन मोनिका? पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।